जनपद फिरोजाबाद में आज समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग फिरोजाबाद को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने पिछले कुछ दिनों से लगातार विद्युत की अघोषित कटौती की जाने के संबंध में महानगर अध्यक्ष मोहित शर्मा के नेतृत्व में बिजली विभाग पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि पिछले कई दिनों से बिजली भी लगातार कटौती की जा रही है, जिससे इस भीषण गर्मी में लोग बेहाल हैं। अतः हम सभी लोग मांग करते हैं कोरोना काल में कम से कम बिजली पर्याप्त मात्रा में दी जाए, जिससे लोग घर पर आराम से अपना समय व्यतीत कर सके और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहे। अगर बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली तो लोगों को मजबूरन गर्मी से बेहाल होकर बाहर निकलना पड़ेगा, जिससे लॉकडाउन तोड़ने जैसी स्थिति बनेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। यह जो है महानगर समाजवादी फ्रंटल संगठन के जो महानगर अध्यक्ष हैं, इन लोगों की तरफ से आज माननीय ऊर्जा मंत्री के लिए जो है आज यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि पूरे महानगर में इस वैश्विक महामारी में जहाँ जनता जो है इस बीमारी से त्राही त्राही कर रही है, वहीं पर अघोषित विद्युत कटौती की वजह से जनता और परेशान हो रही है। एक तो वैसे ही जनता परेशान है और ऊपर से जो है ये 10-12 घंटे जो है लाइट आ रही है महानगर के अंदर, इस वजह से किसान भी परेशान, जनता भी परेशान। इस वजह से जो है महानगर यूथ के फ्रंटल संगठनों ने ये जो है ज्ञापन दिया है। देखिए, जब से कोविड लगा है तब से आपने देखा होगा कि जनपद के अंदर अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, और पिछले हफ्ते से तो इस कटौती की हद ही हो गई। 4-5 घंटे रात में काट दी जाती है और 4-5 घंटे दिन में काट दी जाती है। एक तरफ प्रकृति का जो कहर बरप रहा है कि फिरोजाबाद जनपद में बरसात नहीं हुई है, खरीफ की फसलें किसानों की बर्बाद हो रही हैं, दूसरी तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप है, लोग पंखे और कूलर नहीं चल पा रहे हैं, लोग रह नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा लगातार 42% तक विद्युत बिलों में बढ़ोतरी कर दी गई है, और उसके बावजूद भी लोगों को 10 से 12 घंटे बिजली मिली है। रूटीन बिल के नाम पर पिछले कोविड में जो रूटीन बिल के नाम पर अनाप तनाप बिल बढ़ा के दिए गए, विद्युत विभाग की जो लापरवाही चली है, इसके खिलाफ़ हमने माननीय ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ये ज्ञापन श्री ऐसी साहब को प्रेषित किया है। और अगर अगले हफ्ते के अंदर सुनवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी इन अधिकारियों का घेराव करेगी, जिसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा।